नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। केतार से हमारे संवाददाता रविकांत वर्मा की रिपोर्ट। केसीसी ऋण धारकों को शाखा प्रबंधक ने मुख्यमंत्री ऋण माफी योजना से लाभान्वित होने का किया अपील। केतार, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक शाखा केतार में समायोजित केसीसी ऋण धारक ऋण माफी से वंचित होते नजर आ रहे हैं। जहां केतार शाखा में 1524 केसीसी ऋणधारी हैं, जिसमें 200 के करीब मुख्यमंत्री ऋण माफी योजना से लाभान्वित हुए। बाकी 324 किसान का खाता एनपीए है। एनपीए खाता धारक किसान मुख्यमंत्री ऋण माफी योजना से वंचित रहेंगे। वहीं 1154 स्टैंडर्ड खाता रहने के बावजूद भी किसान लाभ लेने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अपने शाखा के किसान को जानकारी देते हुए शाखा प्रबंधक राम पूजन दास ने बताया कि एनपीए के अंदर जिन किसान का खाता है, उन्हें ऋण माफी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अभी भी अपने खाता को रेगुलर कराएं। उन्होंने बताया कि खाता को रेगुलर कराने का दो विधि है। पहला, जो किसान सक्षम है वह स्वयं लेन देन कर खाता को रेगुलर कराए, या दूसरों को किसान रेगुलर कराने में सक्षम है वे अपने खाते को रेन्यूअल कराए। रेन्यूअल नहीं कराने पर उन्हें 12% ब्याज देना पड़ रहा है, जबकि स्टैंडर्ड खाता धारक को सिर्फ 1% ही ब्याज देना पड़ता है। उसके बाद शाखा में आधार एवं मोबाइल लिंक कराकर प्रज्ञा केंद्र में खाता को केवाईसी करवाएं। इतना करने के बाद माफी पोर्टल पर किसान का सारा डेटा अपलोड हो जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री ऋण माफी योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। मैं शाखा प्रबंधक झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक शाखा केतार, मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जितने भी केसीसी होल्डर मेरे ब्रांच में हैं, हमारे ब्रांच में कुल 1524 केसीसी धारक हैं, जिसमें से 370 खाता जो है सो हमारे बैंक में उनका एनपीए चल रहा है और बाकी जो है सो एनपीए से बाहर है। जो खाताधारी का खाता एनपीए में चल रहा है, उनको एक ये नुकसान हो रहा है कि वो सरकार के द्वारा घोषणा किया गया ऋण माफी योजना का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। दूसरा नुकसान ये है कि उनको बैंक को ज़्यादा ब्याज पे करना पड़ रहा है। इसलिए मेरे सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वे अपने खाता को रेगुलर करा लें। रेगुलर कराने का दो तरीका है, या तो अपने स्तर से उसमें लेन देन करें, या अगर अपने स्तर से लेन देन करने में अक्षम है, पैसा यदि उनके पास नहीं है, तो खाता को रिन्यूअल करा लें। उनका खाता रिन्यूअल करने के बाद भी एनपीए से बाहर हो जाएगा। उसके बाद आप बैंक में आकर के अपना आधार और मोबाइल लिंक करा के केवाईसी करवा के प्रज्ञा केंद्र में जाके अपना राशन कार्ड दर्ज करा लें। इतना करा लेने के बाद उनका जो है सो माफी पोर्टल पे सारा डाटा अपलोड हो जाता है और उन किसान भाइयों को आपको ऋण माफी का लाभ मिल सकता है।